फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पाकिस्तान इज शॉक्ड। क्यों भाई? क्योंकि कुर्सी से उठे बाइडेन और वो मोदी से मिलने के लिए चले। तो भैया वो तो मुझे पहले ही पता था, पाकिस्तान में तो बुरे हाल हो रहे होंगे ये सब देखकर। वो तो बेचारे सह नहीं पा रहे होंगे, उनको अपनी कंट्री डूबती हुई है उसकी परवाह नहीं है, उनको इसकी हो रही होगी कि जो बाइडेन खास मोदी जी से मिलने आए हैं और उन्होंने जफ्फी डाली है, ये हुआ। देखिए फिर भी वो लोग सुधरे नहीं, सुधरते नहीं। देख लो कितने पंगे कर रहे हैं, G20 जो हो रहा है उसके लिए कितने इन्होंने किए। अच्छा, मैंने न्यूज पढ़ी कि ये जो बिलावल भुट्टो है वो अभी स्पेशली G20 से पहले जो है POK में आके बैठ गया है, और कोई पता नहीं कि बैठ के वो क्या वहां पे साजिश कर रहा होगा अगेंस्ट G20 जो कश्मीर में हो रहा है। वो खास POK में आया है, इससे पता चल रहा है कि किस टाइप के ये लोग हैं। कंट्री में अनरेस्ट है, बुरी हालत है कंट्री की, पैसे पैसे के लिए मांग रहे हैं कि भैया कोई दे दे, पर सुधरना कोई नहीं है। ये है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की चप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। क्यों? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान को स्टेटमेंट आई है, वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया। ये लोग जितने भी हैं करते मेरे ख्याल से इंडिया रिलेटेड न्यूज़ ही करते हैं, यही करते हैं। उनको और कुछ नहीं, उनसे मदद मांगने लगे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। इमरान खान की अमेरिका से मदद की अपील, इमरान खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में तमाम लाइंस क्रॉस की जा रही हैं, तो याद रखिए पाकिस्तान के साथ ये सब ना कीजिए। और अगर कोई खान साहब तो जिंदा है तो कहेंगे ये जीना बिल्कुल जीना है ललू। इसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। तो उनका स्टैंड ये है कि एक ही वक्त में जो है वो पीस टॉक और एक ही वक्त में दहशत गर्दी साथ साथ जो है वो नहीं चल सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा ले रहे हैं। बाइडेन जैसे ही वहां पहुंचे, वहां पीएम मोदी को देखते हुए उनके पास जा पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में वर्ल्ड लीडर से मिले। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, हमें 2024 में भारत के क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबान करने में खुशी होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मेरे विचार से हमने पिछले 2 वर्षों से अच्छी प्रगति की है। बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं जाहिर है, लेकिन ये कर क्या रहे? जब भी बात है बाइडेन बहुत ओल्ड हो गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी ली। जी हाँ, जादू की जप्पी बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को, लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन, वरना अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, आगे सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बैठे थे कि फोन उठा ले, लेकिन मजाल ही नहीं उन्होंने फोन उठाया। और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास
और जादू की छप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं, और जाते के साथ ही उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये वाले सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी है मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना, आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जी यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही है, आप शुरू तो किया है उन्होंने, आप केपीके में देख लीजिए आप टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है और कुछ नहीं कर रहे होंगे इंडिया के अगेंस्ट करने गया बिलावल पीओके बना के रखा होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है, वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इन्वाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन वेलकम किया है और बड़ी इसकी धूम मची हुई। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशन रखना चाहते हैं जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कंड्यूसिव एनवायरमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है वो उसकी उन्होंने बात की। थैंक यू जी, ये जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में, जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कोई नहीं हो रही इंटरनेशनल में बोल के मोदी जी। पहली बात यह है कि जो उनको रेड कार्पेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है वो जाहिर है, आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत, तो उस हवाले से जाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वहां पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूंकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है तो जापान के साथ जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जापान ने यूएसए जहां के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक न्यू फाउंड पार्टनर को जो है किस तरीके से अकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए ये है कि ये सारी चीजें जो है ना ये इनवाइट होता है, अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी, ये मैं काफी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुज़श्ता 4-5 सालों अभी तो शुरुआत हुई है, कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया, या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है, क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे उसको वो तोड़ चुका है और वो अब इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है, अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेते हैं, कहीं ये G7-8 है कहीं G20 है कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक कहीं जो है, तकलीफ देख लो इन लोगों की कितनी हो रही है कि जब भी पाली पता नहीं था कि हमारी छत जो है बहुत ही ऊपर है, इनफैक्ट छत है ही नहीं हमारी, तो वो छत है अभी कहां पहुंचे हम, तो इन्फिनिटी तक जाते हैं कुछ अभी हम तो सीलिंग ही कर दिया, इनको लगा छत अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, छत ही नहीं वहां पे, हम तो इन्फिनिटी में जा रहे हैं कुछ भी बोलते जाते हैं, उनकी सोच ही ऐसी है तभी तो उनकी कंट्री का ये हाल हुआ है। हम लोग जो है हम लोगों को
बीट करना है चाइना को, उनको ये समझ नहीं आ रही है. हमारा एम इज चाइना के पास तक जाके उसको बीट करना. अभी तो हमने शुरुआत की है भाई, ये इनको लगता है कि हमने छत भी तोड़ दी, पता नहीं क्या कर दिया है. इनके लिए हर छोटी चीज जो होती है उसको बहुत वो करके उन्होंने यही करना है. मोस्ट प्रॉब्ली व्यूज के लिए होता होगा मेरे हिसाब से, तो उसीलिए वो इस टाइप से बातें करते हैं. नॉर्मली इंडिया को तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान से, नहीं करनी चाहिए. आप चाइना की बात करिए, चाइना से कम्पीट करिए, चाइना को बीट करिए. बिल्कुल, हमें तो अब ये वीडियोस देख के अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस के अंदर कि लुक एट देयर टॉक्स एंड अंडरस्टैंड कि उनकी टॉक्स कितनी लो लेवल हैं, कि इट इज़ नॉट वर्थ कि आप ऐसी टॉक्स सुनो और उनके टॉक्स के अंदर की बातें जो हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि गेम चल क्या रही है इनकी. ये जो बड़ा दिखाते हैं अपना, मतलब अपनी कंट्री को हंस के और प्रेज कर रहे हैं इंडिया ने तो ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं बोलने के लिए जिससे उनको व्यूज मिले. दिस इज दी, ये एक अकेली चीज है जिससे इनको व्यू मिलेगा, इसलिए वो हर चीज में करते हैं. मोदी ने जी ने छींक मारी तो इन्होंने एक वीडियो बना देनी है. इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि जो बाइडेन क्यों आए छींक मारने. इनका फोकस है इंडिया पे, मगर इंडिया का फोकस नहीं है तुम पे. हम लोगों का फोकस अब है कि और आगे बढ़ना है, और तुम्हारा जो एजेंडा है ना, ये जो तुम गेम खेल रहे हो फायदा उठाने की कोशिश करते हो इंडिया से, उसको खत्म करना है. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.